नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लास में। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी UKPSC के द्वारा एक नया विज्ञापन आज यहां पे जारी किया गया है 6 सितंबर 2024 को। और ये विज्ञापन है दोस्तों RO AR O का, महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल में समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी यानी RO AR O परीक्षा 2024 का ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में डिटेल्स इसके बारे में, कितनी इसमें पोस्ट हैं यानी पदों की संख्या है, और साथ में कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 6 सितंबर 2024, आज ये विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और आज से ही आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 26 सितंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क भी आप 26 सितंबर 2024 तक ही यहाँ पे जमा कर सकते हैं। संशोधन अगर आपको करना है 3 अक्टूबर 2024, और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 12 अक्टूबर। तो 3 से लेकर 12 अक्टूबर 2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन में संशोधन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जानते हैं कि रिक्तियों का विवरण कितना है, कुल पोस्ट। तो यहाँ पे दोस्तों महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या है 4। तो यहाँ पर दोस्तों केवल 4 पोस्ट हैं, 4 है रिक्तियां। अब यहाँ पे दोस्तों सोचने वाली बात यह कि इतनी कम पोस्ट के लिए आयोग यहाँ पे क्या कर रहा है, विज्ञापन निकाल रहा है। आयोग को जैसे इससे पहले भी आयोग ने 2 पदों के लिए, उसमें भी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद थे, तो केवल 2 पदों के लिए रिक्तियां निकाली थी। तो इन लगभग इन जो ये पद निकाल जाते हैं आयोग के द्वारा, इनके लिए आयोग को एक साथ कोई एक ही पेपर कराना चाहिए वैसे, क्योंकि अब देखो 2 पदों के लिए एग्जाम कराना है, फिर 4 पदों के लिए एग्जाम कराना है, तो कम से कम इन दोनों पदों के लिए। वैसे ये अब देखो यहाँ पे ये बात भी है कि यहाँ पे जो ये पद हैं ये है नैनीताल महाधिवक्ता कार्यालय में, तो इसका सिलेबस अलग होगा, तो इसलिए आयोग ने यहाँ पे क्या है इसके पद अलग निकाले हैं, लेकिन यहाँ पे केवल कितने हैं, 4 पद हैं। अब देखते हैं इसकी पहले देखते हैं इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है, जो योग्यता मांगी है वो क्या होगी। तो देखो समीक्षा अधिकारी के यहाँ पे 2 पद हैं, और जिसमें एक जनरल पद है और एक SC के लिए है। और अगर बात करें सहायक समीक्षा अधिकारी की, तो इसके भी 2 पद है, एक है जनरल के लिए, एक है अनुसूचित जाति के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो योग्यता है इसकी, तो पहले जो समीक्षा अधिकारी है ये महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड नैनीताल विभाग के अंतर्गत है, कुल पदों की संख्या 2 है, वेतन मानस 47,600 लेकर 1,51,000। शैक्षिक अर्हता इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर आप भर पाओगे। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। अब यहाँ पे देखो स्नातक उपाधि यहाँ पे मांगी गई है, पिछला जो विज्ञापन था उसमें भी स्नातक ही मांगा गया था, लेकिन इसमें सिलेबस आयोग ने थोड़ा चेंज किया है, तो इसलिए इसका विज्ञापन शायद आयोग ने अलग दिया है। लेकिन जब यहाँ पे उपाधि एक ही है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये है महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत, इसलिए इसमें जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड होगा। अधिमानी अर्हता जो सभी में होती वही है। आयु सीमा की बात करें 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष है। फिर सहायक समीक्षा अधिकारी, ये भी महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत है, कुल पदों की संख्या है 2, 44,900 से लेकर 1,42,400, लेवल 7 की वैकेंसी है। और इसमें अगर शैक्षिक अर्हता की बात करें, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता के साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डायक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ स्तर का प्रमाण पत्र, हिंदी कंप्यूटर टंकण में न्यूनतम 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति तथा कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 9,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए शैक्षिक अर्हता है वो कुछ यहाँ पे अलग मांगी गई है, स्नातक, और यहाँ पे इतनी सारी चीजें मांगी गई है। विभाग, अब देखो यहाँ पे एक और चीज लिखी है, विभाग के पत्र संख्या इतने के तहत सीधी भर्ती अधियाचन दिनांक 27 अगस्त 2024 के क्रम में कंप्यूटर विज्ञान में 3 वर्षीय डिप्लोमा अपेक्षित है। अधिमान्य अर्हता सभी में सेम है। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष। और आयु गणना कब होगी,
21 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष, न्यूनतम है 21 वर्ष अधिकतम है 42 वर्ष। आयु गणना की निश्चय तिथि है 1 जुलाई 2024, अर्थात 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम जो एज होनी चाहिए 21 होनी चाहिए और अधिकतम होनी चाहिए 42। बाकी श्रेणी के अनुसार जो अधिकतम छूट मिलती है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि उत्तराखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासन निर्देश संख्या 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है, तो इनको यहाँ पे क्या है 5 वर्ष की छूट दी जाती है। तो ये इसलिए यहाँ पे सीमा में आयु सीमा में जो छूट दी जाती है जिन अभ्यर्थियों को उनको दी जाएगी। अब यहाँ पे अगर बात करें शुल्क कितना देना होगा, अप्लाई आप ऑनलाइन माध्यम से करेंगे। शुल्क की बात कर लेते हैं तो जनरल अभ्यर्थियों को 172, जो यूकेपीएससी का हर विज्ञापन जब हर आवेदन जो आप करते हैं उसमें लगभग इसी तरह के शुल्क यहाँ पे आपको देनी होती है यूकेपीएससी में। तो जनरल अभ्यर्थियों को 172, ओबीसी को 172, एससी एसटी को 82, ईडब्ल्यूएस को 172, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 22 रुपये और जो अनाथ अभ्यर्थी हैं उन्हें कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं देना पड़ता है जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे इसमें भी क्या होगा, पहले प्री एग्जाम होगा और फिर मेंस एग्जाम यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखो टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे का, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 और मैक्सिमम जो मार्क्स है वो है 200। 3 घंटे एग्जाम है, 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के। क्या क्या है यहाँ पे सिलेबस प्री एग्जाम का, तो जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री है इसमें, ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, लीगल ग्लोसरी है, लीगल हिस्ट्री। अब यहाँ पे ये जो दो टॉपिक इन्होंने ऐड किए हैं ये यहाँ पे सिलेबस में थोड़ा सा चेंज है। नॉलेज ऑफ उत्तराखंड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी बेस्ड और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कंप्यूटर साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या है इस तरीके से 200 क्वेश्चन है और टोटल 200 मार्क्स, यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का होगा। उसके बाद यहाँ पे है मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का एक 3 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें ऑल क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, ये भी मैक्सिमम जो मार्क्स है 200 मार्क्स का पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज का। और ये यहाँ पे ये दे रखा है सिलेबस, ऐसे हो गया ग्रामर, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, लेटर राइटिंग, समरी राइटिंग। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक पेपर होगा, पेपर टू होगा हिंदी लैंग्वेज का, ये भी 200 मार्क्स का होगा, ये भी 3 घंटे होगा। इसमें भी वही आपको लिखना है, निबंध हो गया, व्याकरण संबंधी, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, लेटर राइटिंग। उसके बाद जो पेपर थ्री होगा ये है यहाँ पे क्वालिफिकेशन नेचर ओनली, प्रैक्टिकल फॉर ओनली असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ये आपका सहायक समीक्षा अधिकारी पद हेतु 10 मिनट की समयावधि के अंतर्गत कंप्यूटर पर न्यूनतम 667 की डिप्रेशन की गति से हिंदी विटंकन परीक्षा ली जाएगी और साथ में 10 मिनट की समयावधि के अंतर्गत कंप्यूटर पर न्यूनतम 1500 की डिप्रेशन की गति से अंग्रेजी में टंकण परीक्षा ली जाएगी। किसके लिए है, क्वालिफिकेशन नेचर का ये एग्जाम है तीसरा पेपर, और ये किसके लिए है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, यानी जो आपका ये किसके लिए, अब ये आपको क्वालिफाई करना जरूरी है किसके लिए, एआरओ के लिए, लेकिन जो मेरिट बनेगी वो पेपर वन और पेपर टू के आधार पर यहाँ पे डिसाइड होनी है। तो दोस्तों ये रहा आज का विज्ञापन, और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और यह विज्ञापन आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट विषय, तब तक के लिए धन्यवाद।